मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीथमपुर में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीथमपुर में कहा, पिछले 18 सालों में यही प्रयास किया है कि अपना परिवार कैसे सुखी रहे और इसलिए जनता के कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाई हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर बनेगी, विकास को गति मिलेगी। लाडली बहन योजना जिंदगी बदलने की योजना है। सम्मान निधि की राशि 3000 तक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने लाडली बहनों का अपमान किया है, जिसे वह सहन नहीं करेंगे। टाइगर अभी जिंदा है। हर 20-25 के गांव में, बीच गांव के बीच में हम एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। मेरे गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर स्कूल बना के देंगे। लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। धनु पन्ना कल्ला मन्ना के बेटा बेटी भी अब बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कमलनाथ, तुमने तो मेरे बच्चों की साइकिलें बंद कर दी। मेरे बेटा बेटी अच्छे नंबर लाते थे, मैं लैपटॉप देता था। कांग्रेस ने वो लैपटॉप छीन लिए थे। बेटा बेटियों खूब पढ़ो। अभी तक 75% नंबर पर लैपटॉप देता था, अब 60% भी बारहवीं में लाओगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों के भविष्य संवारने की दिशा में कार्य किया जाएगा। अच्छे प्रतिशत लाने वाले बच्चों को लैपटॉप स्कूटी दिए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। मृदुभाषी के लिए धार से आशीष यादव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।